जय श्री राम। अयोध्या धाम की होली कैसी है और इस रंग में रंगकर चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, आम आदमी हो, सभी किस तरह से राम रंग को महसूस कर रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा और आप भी इस रंग में सराबोर हो जाएंगे। हमारे साथ सन्यासियों की एक टोली है, इसके साथ ही जो संगीतकार हैं वो भी मौजूद हैं। जी, आप लोगों ने तो बहुत होली देखी होगी अभी तक, लेकिन इस बार राम मंदिर के उपलक्ष में और रामलला सरकार के लिए हम लोग अवध में होली मना रहे हैं। तो संगीत की विधा क्या कह रही है इस बार? संगीत में हम लोग आइए, जैसे राम जी होली खेले हैं अयोध्या में, तो आइए इस भजन से शुरू करते हैं। होली खेले रघुवीरा बद में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। ओ हिल मिलिया में लोग लगाई, हिल मिलिया में लोग लगाई, हिल मिलिया में लोग लगाई, हिल मिलिया में लोग लगाई। अरे भाई महलन में भीरा बद मा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा बद मा, होली खेले रघुवीरा, होली 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 खेले रघुवीरा बद मा, होली खेले रघुवीरा। ओ हिल मिलिया पे संत जनन भी, हिल मिलिया पे संत जनन, हिल मिलिया पे संत जनन भी, हिल मिलिया पे संत जनन। अब भाई और संत हो, महात्मा हो, सभी इस होली को अपने मिजाज से मना रहे हैं। तो इस होली में कहा जाता है कि जो नशा होता है वो हवाओं में होता है, तो जो भगवान श्री राम की भक्ति का नशा है इस समय पूरी अयोध्या की हवाओं में गूंज रहा है, महसूस हो रहा है। तो जो भक्ति रंग है उसके साथ संगीत का रंग क्या कह रहा है? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं।
और ये होली भगवान श्री राम वाली। स्वामी जी कैसी होली? ये राम वाली होली है, राष्ट्र वाली होली है, अयोध्या की होली है और 500 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम लला जो प्रतिष्ठा हुए हैं वो पहली होली और ऐसी होली कि सारे राष्ट्र के सारे राम भक्त आज होली है। किसके होली हो री, किसकी हो री? भगवान के हो गए, इसलिए ये अद्भुत होली है। बोले हो री की रसिया की जय श्री राम। खेले होली लच्छे मने खेले होली समस्त देश को अयोध्या के तरफ से जय श्री राम। तो जो भक्त हैं वो पूरी तरह से राम रंग में रंगे हुए हैं और जो संगीतकार हैं वो क्या कह रहे हैं, तो इस होली पर क्या कह रही है आपकी गीतों की विधा? जी हमारी गीतों की विधा यही कह रही है कि त्रिभुवन विधि अवध जकर नौआ हो, त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ बड़ा निकला
बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, ये शब्द कह रहे हैं, ये जो चंद लाइनें हैं वो भक्ति भाव को दर्शा रही है। लेकिन अगर अयोध्या की जमीनी होली और जो फाग है वो क्या कह रहा है स्वामी जी? पूरे फागुन में रंगीन है, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, नहीं तो जब देहातों में जाएंगे तो वहाँ तो गाना चलता है कि भर फागुन बुढ़वा देवर लागे, यहाँ तो कैसे क्या कहते हैं नहीं वो हम नहीं गा सकते, लेकिन बूढ़े लोग भी फागुन के महीने में जवान हो जाते, देखिए कितने सुंदर जवान दिख रहे हैं। देखिए स्वामी जी भी महसूस कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि इस फागुन में जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी अपने मिजाज में होता है, तो क्या कहते हैं? और कैसे, अपने अपने घर से निकली, 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 कोई सवर कोई गोरी रे रतिया, कोई सवर कोई गोरी रे रतिया, आज भी सवाल था कि इस होली में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने मिजाज में होता है, तो जो संगीतकार है वो क्या कहते हैं? हम लोग यही कहते हैं कि सावन मास लगुइया चमके, कार्तिक मास के कुकुर, और फागुन माँ मनैया चमके, करे हुकुर हुकुर जोगीरा सारे नारा। ओ, एक तो चिकन फाइन पतई, दूसरा चिकन घीव, तीसरा चिकन गोरी के जो ना देख के ललचे जी तो होरी है। संगीत की जो विधा है वो तो अपनी है, लेकिन इस होली में सब चीज से ऊपर उठकर बस रंग में खोकर रह जाते हैं, तो जो आपने चंद लाइनें बताई कि ग्रामीण क्षेत्रों की होली कैसी होती है, वहाँ का जोगीरा कैसा अलग मिजाज में होता है, जरा दो तीन लाइनें अगर वो आ जाए। होली के रसिया तो हमारे कन्हैया है, हमारे राम जी तो थोड़े मर्यादा में रहते हैं, लेकिन ये रंग ही ऐसा लिए बनाया गया कि जो भेद भाव एक दूसरे में परस्पर वैमनस्यता है होली के दिनों समाप्त हो जाता है, सब लोग एक दूसरे से गले लगते हैं, और ब्रज की भी तो बात अलग ही निराली है। जगत होरी ब्रज होरा, जगत होरी ब्रज होरा, ब्रज में होरा होता है, होरी नहीं होती है, लठमार होली, लड्डू मार होली, और अयोध्या की इस बार की तो होली अजब है। आइए डप बाजे कुंवर की दी, डप बाजे, डप बाजे कुंवर की दी, डप बाजे, डप बाजे कुंवर की दी, we
रामनगरी की होली, अयोध्या की होली और इस होली के रंग में सरयू का किनारा कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग रंग घोलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कवियों की भी टोली है, इसके साथ ही संगीत के जो दीवाने हैं, जो मर्मज्ञ लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मिजाज से होली मना रहे हैं। तो इस होली में कैसे राम नाम की धूम है, कैसे नारा गूंज रहा है? नारा सिर्फ गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का उद्घोष है और हमारे साथ जो संगीतकार हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो विधा है संगीत की वो क्या कह रही है, संगीत क्या कह रहा है इस होली पर। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। कहीं के हाथ कनक पिचकारी, 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 कहीं के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। रामनगरिया में होली की मस्ती जारी है और जो संगीत विधा के जानकार हैं वो होली खेल रहे हैं और इस साज के साथ, इस किनारे के साथ होली का त्योहार अपने आप में खास है। क्या कहें, होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती के संग, होली खेल रहे शिव शंकर, होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती के संग, 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 गौरा पार्वती के संग। होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती के संग, होली। एक बात जानना चाहेंगे, राम जी की नगरी है, महादेव की नगरी में भी होली का रंग जम गया है, पूरा एकदम जमा हुआ है और इसी बीच राम जी भी खेल रहे हैं, तो राम जी कैसे खेल रहे हैं? राम जी खेल रहे हैं, भी खेले कामनी के संग जेठ भी खेल, रघुबर खेले साथ, रघुबर के साथ में सीता भी है संग, होली खेल रहे, होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती के संग, होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती, होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती के संग, होली खेल रहे शिव शंकर गौरा पार्वती के संग। ओ, आराध्य और आराधक का संबंध है महादेव में, भगवान श्री राम में, और इन दोनों के जो संबंध का एक अनूठा उदाहरण इस होली में सरयू के किनारे से देखने को मिल रहा है। तो संगीत विधा आपके सामने, अब कवियों के पास चलते हैं, तो क्या कहना है इस होली पर, जो कवियों की पंक्तियां हैं वो क्या कह रही हैं? सरयू का किनारा, अवध की भूमि, एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूं आप सबके सामने कि होली का रंग क्या, कि राम क्या है, कि राम सद्भावना के चरम बिंदु है, राम सद्भावना के चरम
बिंदु है राम शीतल सुकोमल शरद इंदु है राम शीतल सुकोमल शरद इंदु है राम हर जीव में राम है राम हर जीव में राम है राम करुणा क्षमा न्याय के सिंधु है राम करुणा क्षमा न्याय के सिंधु है और इसी तरह एक और छंद निवेदित करती हूँ कि प्रीत लिए अब फागुन की सुन नाच रहा मन मोर सखीरी प्रीत लिए अब फागुन की सुन नाच रहा मन मोर सखीरी नेह भरे बदराबर से जब अंग अनंगित हुक उठीरी नेह भरे बदराबर से जब अंग अनंगित हुक उठीरी रंग गुलाल लिए सब खेलत भंग चढ़ी ब्रज धूम मचीरी रंग गुलाल लिए सब खेलत भंग चढ़ी ब्रज धूम मचीरी खेलत खेलत भाग सखी अब नैनन में छवि श्याम बसीरी खेलत खेलत भाग सखी अब नैनन में छवि राम बसीरी खेलत खेलत भाग सखी अब नैनन में छवि श्याम बसीरी खेलत खेलत भाग सखी अब नैनन में छवि श्याम बसीरी। कवि महोदय तो क्या कह रहे हैं रंग कविता के रंग क्या बिल्कुल तब चार पंक्तियां रखता हूँ राम पर। राम है क्या अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं लेकिन वही वनवास के बाद जब पुनः वापस लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। क्या बात तब कहता हूँ इस सृष्टि के जो दुलारे हैं पांव के वट ने भी पखारे हैं पांव के वटन भी पखारे हैं जिनका कोई नहीं खिवैया है। तो उद्घोष और ये उद्घोष कविता के माध्यम से जी मैं दो चार मुक्तक रखना चाह रहा हूँ। रख दीजिए। नहीं इस पावन भूमि पे जो हमारी पुण्य भूमि है अगर कुदरत न चाहे तो समंदर घट नहीं सकता सत्य को काटना चाहो मगर ये कट नहीं सकता ये धरती आस्था की है बुझाती प्यास जन जन की अयोध्या में कभी बंधुत्व दिल से हट नहीं सकता अयोध्या में कभी बंधुत्व दिल से हट नहीं सकता अपनी ये अयोध्या है जो खिलता गुलाब है अपनी ये अयोध्या है जो खिलता गुलाब है ये भारती की शान है दुनिया का ख्वाब है बेदार की है नज्म तो सागर की रवानी।